हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोगों ने यूनिट वन और यूनिट टू कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यूनिट थ्री की तरफ। यूनिट थ्री का जो पहला चैप्टर है लेसन वन, दैट इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में होता क्या है बेसिकली, इसमें जो एनालाइट्स होते हैं वो भी जनरली हैलाइड्स। हैलाइड्स कौन से होते हैं? जो पीरियोडिक टेबल में सेवेंथ मेंबर होते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बेसिकली चार आपके हैलाइड्स होते हैं। तो हैलाइड्स को जब हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सिल्वर नाइट्रेट, यानी प्रेसिपिटेंट सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर और हैलाइड्स का हैलाइड, तो सिल्वर और हैलाइड्स मिलकर बना लेते हैं सिल्वर हैलाइड्स। अगर हम एग्जांपल लें सोडियम क्लोराइड, ये बेस्ट एग्जांपल है हैलाइड्स का। तो सोडियम क्लोराइड रिएक्टेड विद द सिल्वर नाइट्रेट, जैसे कि अगर हम देखें दिस वन इज AgNO3, या इसको हम जी को स्मॉल, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। ये सैंपल से रिएक्ट करेगा, दैट इज NaCl। यहां पे आपका सैंपल क्या है? NaCl। तो ये ब्रेक डाउन होगा इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर आयन प्लस Ag+, और ये ब्रेक डाउन होगा नाइट्रेट NO3-1। तो ये हो जाएगा प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस वन। ऐसे आपका ये सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड लगेगा। तो जो इसका मेटल आयन है यानी कि पॉजिटिव आयन है, ये इसके नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा, यानी Ag रिएक्ट करेगा सिल्वर के साथ, और ये आपके जो सोडियम है ये रिएक्ट कर जाएगा नाइट्रेट के साथ। सो इट विल फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। दिस वन इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। White precipitate और by product क्या बनेगा? ये Na और ये NO3, that will form NaNO3। तो आप यहां देख रहे हैं कि precipitating agent silver nitrate react कर रहा है NaCl के साथ, और क्या बना ले रहा है? White color का precipitate, that is AgCl, जिसे हम बोलेंगे silver chloride। अब देखिए ये यहां पे भी दे रखा है in the form of titration, तो आप देख सकते हैं ये silver nitrate है, इसको हमने fill कर लिया है ब्यूरेट में, ठीक है? ये precipitating agent आपका ब्यूरेट में fill है, और ये जो सैंपल जिसको एनालाइज करना है हैलाइड्स यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये आपका प्रेजेंट है किसमें? आपका कॉनिकल फ्लास्क में। यहाँ इंडिकेटर यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? एज अ सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट विल बी यूज्ड एज अ इंडिकेटर। तो होगा क्या, जब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या करेगा? सिल्वर नाइट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल किससे रिएक्ट करेगा? सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करके सिल्वर क्या करेगा? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या बनाएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है? तो ये फॉर्मेशन होती रहेगी। कब तक होती रहेगी? जब तक पूरा का पूरा सिल्वर पूरे के पूरे क्लोराइड से रिएक्ट ना कर जाए। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आपका सैंपल खत्म हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? जो ये सिल्वर नाइट्रेट गिर रहा है, अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्रोमेट के साथ। सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्रोमेट। तो दिस विल फॉर्म Ag2CrO4, सिल्वर क्रोमेट। ये कैसा प्रेसिपिटेट होता है? ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। दिस वन विल फॉर्म ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो जैसे ही आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट का कलर चेंज होगा ब्राउन में, हमें समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो बाकी प्रोसेस वही N1V1=N2V2 लगाकर हम अननोन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो एक प्रकार का मोहर्स मेथड है, इसको डिटेल में हम बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी तो जस्ट हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे थे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग डेफिनेशन अगर देखने जाए, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, तो हम बोल सकते हैं इट इज एनालिटिकल मेथड। यानी कि आप जितने टाइट्रेशन में जो भी पढ़ रहे हैं, सारा का सारा क्या एनालिटिकल मेथड ही है, इन विच जिसमें वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेंट, प्रेसिपिटेंट क्या है? दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है? प्रेसिपिटेंट है। वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेंट यूज्ड टू कन्वर्ट सैंपल इनटू प्रेसिपिटेट इज मेजर्ड, यानी कि कितना वॉल्यूम प्रेसिपिटेंट लग रहा है सैंपल यानी कि हैलाइड्स को कन्वर्ट करने में। हैलाइड्स को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? सिल्वर क्लोराइड यानी प्रेसिपिटेट में। यहां आप देखिए सिल्वर नाइट्रेट क्या है? प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है। दिस वन इज द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, या इसको हम प्रेसिपिटेंट बोल सकते हैं। ये किससे रिएक्ट कर रहा है? सैंपल से यानी कि हैलाइड से। तो क्या करेगा? इसका सिल्वर इसके क्लोराइड से क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। और ये कितना बना है इसको हम फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करके हम वेट कर लेंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कितना अमाउंट का आपका सिल्वर क्लोराइड बना है, ठीक है? ये कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट वन इज प्रेसिपिटेंट। प्रेसिपिटेंट्स क्या होते हैं? प्रेसिपिटेंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू कन्वर्ट सैंपल इनटू प्रेसिपिटेट, यानी ये प्रेसिपिटेंट है।
प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, दे आर केमिकल सब्सटेंसेस यूज टू कन्वर्ट सैंपल इंटू प्रेसिपिटेट, यानी कि सैंपल इंटू प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट है, सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि जैसे जैसे आप प्रेसिपिटेट को सिल्वर नाइट्रेट को ब्यूरेट से ऐड करेंगे कॉनिकल फ्लास्क जहां पे सैंपल प्रेजेंट है क्लोराइड्स के, तो वो क्या करेगा, सिल्वर क्लोराइड से रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनाने लगेगा। तो कितना वॉल्यूम ब्यूरेट में खर्च हुआ है उससे हमें मालूम चल जाएगा कितना आपका प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बन गया है उसको आप फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर करने के बाद उसको ड्राई कर लीजिए, उसका वेट ले लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कितना प्रेसिपिटेट लगा, कितने अमाउंट प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, उस हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरा जो टर्म है दैट इज अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। व्हाट इज अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। किसी भी टाइट्रेशन में अगर सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर कंपोनेंट यूज हो रहा है एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, जैसे यहां यूज हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट, तो उस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को हम लोग बोलेंगे अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। यानी कि आप बोल सकते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। यहाँ पे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या यूज हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड एज प्रेसिपिटेंट या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये आपका बेसिक मैकेनिज्म हो गया प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का, जहां पर आपको ये पता लगाना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सैंपल इनटू प्रेसिपिटेट, उसी को हमें क्या करना है, मेजर कर लेना है। दिस इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब हम लोग कुछ मेथड्स देखेंगे जिसमें हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स के हम लोग प्रेसिपिटेट बनाते हैं, उनको मेजर करते हैं कितना अमाउंट रिक्वायर्ड हो रहा है। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड में हम लोग देखेंगे ये जो एग्जांपल है ये मोहर्स मेथड का ही एग्जांपल है। इसमें हम देखेंगे हाउ मच सिल्वर नाइट्रेट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सैंपल इनटू प्रेसिपिटेट, यानी कि सोडियम क्लोराइड कितना अमाउंट या पोटेशियम क्लोराइड कितना अमाउंट में प्रेजेंट है जो कि सिल्वर क्लोराइड से बाइंड करके क्या बना लेगा, AgCl प्रेसिपिटेट। इसमें हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं सिल्वर क्रोमेट। तो सिल्वर क्रोमेट का जो क्रोमेट बाइंड करेगा सिल्वर से वो देगा रेड रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, और जो क्लोराइड बाइंड करता है सिल्वर से ये देता है वाइट प्रेसिपिटेट। इसका हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखेंगे मोहर्स मेथड में। तो आइए इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग मोहर्स मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोहर्स मेथड। मोहर्स मेथड बेसिकली क्या होता है कि मोहर्स मेथड में जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज करते हैं हम लोग, वो यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट विल यूज एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, और इसमें हम क्या करते हैं हैलाइड्स का एस्टिमेशन करते हैं। हैलाइड्स में एक कॉमन एग्जांपल हम ले रहे हैं NaCl जो यहाँ पर डायग्राम में हमने बना रखा है। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड से और ये बनाता है अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT प्लस NaNO। अगर अब आपको मोहर्स मेथड का डेफिनेशन लिखना है आप यहीं से बना सकते हैं क्वेश्चन से, यानी कि हम लिख सकते हैं इन मोहर्स मेथड सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट टू एनालाइज हैलाइड्स एग्जांपल में क्लोराइड्स वेयर पोटेशियम क्रोमेट यूज्ड एज इंडिकेटर। सो व्हाट इज मोहर्स मेथड, मोहर्स मेथड इज अ मेथड वेयर सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट टू एस्टिमेट हैलाइड्स। हैलाइड्स में बेसिकली कौन है, क्लोराइड्स। ब्रोमाइड्स और हैलाइड्स के केस में भी हम यूज करते हैं, कुछ एक्सेप्शन है वो हम बात देखेंगे। तो बेसिकली हैलाइड्स का एस्टिमेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर पोटेशियम क्रोमेट। सो दिस इज मोहर्स मेथड। बस आपको क्या याद रखना है, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सिल्वर नाइट्रेट है, सैंपल आपके हैलाइड्स हैं और इंडिकेटर आपका क्या है, पोटेशियम क्रोमेट। बस इतनी बात आप याद रखेंगे तो आपका मोहर्स मेथड कंप्लीट ही है। तो आइए अब देखते हैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन। तो ये डेफिनेशन हम रफ कर रहे हैं,
तो जो भी प्रेसिपिटेट बनते हैं उनकी एक पर्टिकुलर केएसपी वैल्यू होती है, केएसपी मींस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो इस प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की जो केएसपी वैल्यू होती है होती है 1 × 10⁻¹². तो जब जब सिल्वर नाइट्रेट पूरे हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो दिस विल बी अ केएसपी वैल्यू ऑफ HCl प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अब जब एंड पॉइंट आएगा, एट एंड पॉइंट पर ये आपका क्लोराइड्स क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो अब जो एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट आ रहा है वो इंडिकेटर से बाइंड करने लगेगा, तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट विल बाइंड विद, सॉरी यहां जो आपका इंडिकेटर है ये है पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, इंडिकेटर विल बी पोटेशियम क्रोमेट। तो क्या होगा, इट विल बाइंड विद पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। तो ये क्या होगा, ये भी एनालाइज होगा Ag+NO3-, ये एनालाइज होगा K+ और क्रोमेट का -2। तो क्या होगा, ये सिल्वर इस क्रोमेट के साथ बाइंड कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4 प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बचा, KNO3। सो दिस विल फॉर्म KNO3, दिस वन। सो दिस विल फॉर्म KNO3। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो सिल्वर क्रोमेट का जो प्रेसिपिटेट आ रहा है, ये जो प्रेसिपिटेट आ रहा है ये व्हाइट कलर का नहीं होगा, ये कैसा होगा, ये होगा रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। इसकी जो केएसपी वैल्यू होगी, वो होगी आपकी 9 × 10⁻¹². तो अब देखिए केएसपी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी क्या है, कम है इन कंपेरिजन टू दिस। तो जिस भी प्रेसिपिटेट की केएसपी वैल्यू कम होती है उसका प्रेसिपिटेट बनने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ऐसे प्रेसिपिटेट जिनकी केएसपी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो जब भी ये आप सिल्वर नाइट्रेट गिरेगा तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्रोमेट और क्लोराइड दोनों से बाइंड करने की होगी, लेकिन जो सिल्वर है वो पहले क्लोराइड से इसलिए बाइंड करेगा क्योंकि केएसपी वैल्यू क्या है, ये क्लोराइड की क्या है, कम है, ये कम है, तो इस वजह से इसका पहले बनेगा। और जब पूरा का पूरा क्लोराइड पूरे के पूरे सिल्वर से बाइंड हो चुका होगा तब आपका ये जो एक्सेस सिल्वर है ये रिएक्ट करेगा क्रोमेट से एंड इट विल फॉर्म अ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्रोमेट। और यही हमको मालूम चल जाएगा कि टाइट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपके मन में संशय है, आप ये देखना चाह रहे हैं कि केएसपी वैल्यू जिसकी कम होती है वही प्रेसिपिटेट पहले क्यों बनाता है, तो आप देखिए कि जब आप इसका किसी का भी एनालिसिस कांस्टेंट लिखिए, इसका या इसका, तो आप देखेंगे, सपोज करिए इस इक्वेशन का देखते हैं हम लोग, तो कोई एक कंपोनेंट है, सपोज करिए AB है, AB ये कोई आप प्रेसिपिटेट है, तो ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन फॉर्म में जाएगा, सो इट विल फॉर्म A+ + B-, दिस वन। इसका जब आप केएसपी वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा, वही लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन में केएसपी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A+ × कंसंट्रेशन ऑफ B- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB। तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रेसिपिटेट है यानी कि अनडिसोसिएटेड पार्ट है, और ये जब डिसोसिएट हो जाएगा तो सॉल्युबलाइज फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो केएसपी वैल्यू है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कंसंट्रेशन ऑफ AB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि AB की कंसंट्रेशन अगर कम होगी, AB की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो केएसपी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि जिसका भी केएसपी वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, उसकी ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इस हिसाब से वो आयनाइजेशन में नहीं जाएगा। इसी हिसाब से हम देखेंगे कि जिसकी भी केएसपी वैल्यू कम है उसका प्रेसिपिटेट बनाने का क्या होता है, चांस ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस हिसाब से पहले आपका जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो सिल्वर क्लोराइड का बनेगा और एंड पॉइंट के बाद आपका सिल्वर क्रोमेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये मैकेनिज्म लगती है इन मोहर्स मेथड। तब आगे कुछ कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं कि टाइट्रेशन अगर हम करते हैं तो कैसे कैसे टाइट्रेशन करेंगे उनको देख लेते हैं, अगर आपको एस्टिमेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो आइए देख लेते हैं K2CrO4 प्रेशर क्रोमेट।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें बनाना होगा प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ AgNO3। सपोज करिए वन मोलर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, वन मोलर सिल्वर नाइट्रेट। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, W is plus 2 M M V by 1000। और अगर नॉर्मलिटी होता तो लगाते हैं W is plus 2 N E V by 1000। ये दोनों में एप्लीकेबल है। तो मोलैरिटी आपने रख लिया वन, मॉलिकुलर वेट आप इसका मॉलिकुलर वेट निकालेंगे, वो वैल्यू पुट कर देंगे M, कितना वॉल्यूम में बनाना है, सपोज 100 ml 500 ml जो बनाना है वो आप रख लेंगे, सपोज 1000 ही बनाना है, ये आपका हो जाएगा बाई 1000 से 1000 कट गया, तो जो वेट आएगा वो जस्ट इक्वल टू किसका हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ AgNO3 दिस वन। ठीक है, तो आप इसका मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लीजिए, वही वैल्यू आपका हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगा उतना अमाउंट ले करके हम क्या करेंगे, सपोज ये x ग्राम है, तो ये x ग्राम सिल्वर नाइट्रेट ले करके हम डिसॉल्व कर लेंगे 1000 ml वाटर में। सिमिलरली अगर आप प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देखेंगे, 0.1 मोलर NaCl, तो ये भी वैसे ही होगा, यहाँ पे मॉलिकुलर वेट किसका आ जाएगा, NaCl का, जैसे सिल्वर नाइट्रेट का आपने लिया था, तो ये भी आपका 1 मोलर है, मॉलिकुलर वेट NaCl का रख लेंगे, 1000 रख देंगे, तो यहाँ पे मॉलिकुलर वेट किसका आ जाएगा, NaCl का, मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl। तो जो भी मॉलिकुलर वेट आ रहा है 36.5 और 23 जोड़ के जो आपका लगभग आता है, वो जोड़ के आप रखेंगे, तो ये इसको मान लेते हैं वाई ग्राम, ये कितना हो गया वाई ग्राम। तो एक्स ग्राम लेकर के आप 1000 ml में डिजोल्व कर लेंगे, सिमिलरली वाई ग्राम NaCl लेकर के आप 1000 ml में डिजोल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट प्रिपरेशन अगर आपको करना है पोटेशियम क्रोमेट का इंडिकेटर का, K2CrO4, ये होता है 2% सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब होता है 2%, यानी कि 2 ग्राम पोटेशियम क्रोमेट लेकर के आप वाटर में डिजोल्व कर लेंगे, तो जो भी सॉल्यूशन बन के आएगा वो हो जाएगा आपका पोटेशियम क्रोमेट का इंडिकेटर। फिर क्या करना है आपको, ये जिसका एस्टिमेशन करना है सोडियम क्लोराइड, इसको 10 ml आप यहाँ पे ले लेंगे, 2 से 3 ड्रॉप पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर डालेंगे, और ऊपर से आप सिल्वर नाइट्रेट 1 मोलर का गिराते जाएंगे। कब तक गिराएंगे, जब तक ये वाइट प्रेसिपिटेट आपका रेड ब्राउन में चेंज ना हो जाए। जैसे ही रेड ब्राउन में चेंज होगा तब आप फॉर्मूला लगा देंगे, एट एंड पॉइंट M1V1 इक्वल टू M2V2। तो यहाँ पे ये आपका जो अननोन आपका कंसंट्रेशन है, ये V2 आपका ब्यूरेट रीडिंग हो जाएगा, ब्यूरेट रीडिंग, और ये आपका स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन और स्टैंडर्ड का वॉल्यूम। तो इस हिसाब से हम अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे बाय रिएक्टिंग विद नोन कंसंट्रेशन। सो दिस इज अबाउट मोहर्स मेथड, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग वोल्हार्ड और मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड देखेंगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे थायोसाइनेट का बेसिकली एस्टिमेशन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग ने क्लोराइड का एस्टिमेशन देखा है। तो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।